हेलो दोस्तों दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारे चेहरे पर काफी ज्यादा फोड़े फुंसी दस्तक देने लगते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कई बार यही फोड़े फुंसी हमारे गालों पर ना निकलने की बजाय हमारे माथे पर निकल जाते हैं और ये हमारे चेहरे को काफी ज्यादा भद्दा दिखाते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आपके माथे पर फोड़े या फुंसियाँ हो गए हैं तो आप उन्हें घरेलू उपचारों से ठीक कैसे कर सकते हैं। टिप नंबर 1, अगर आपके माथे पर बहुत ज्यादा फुंसियाँ हो रही हैं तो निरंतर या फिर रोजाना अपने माथे पर जैतून के तेल से मसाज करिए। जैतून के तेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, इसीलिए वे उन बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं जो कि बार बार फोड़ी फुंसों को निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए रोजाना अपने माथे पर अच्छे तरीके से और हल्के हाथों से जैतून के तेल से मसाज जरूर करिए। टिप नंबर 2 है नींबू के रस से मसाज करना। नींबू के रस के अंदर एसिटिक तत्व होते हैं जो बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं। अगर आपके माथे पर बहुत ज्यादा फोड़े फुंसी हो गए हैं तो नींबू के रस से भी आप महज 5 मिनट के लिए अपने माथे पर मसाज कर सकते हैं। यह भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। टिप नंबर 3 है उबटन। आप किसी भी हर्बल या फिर घर पे बने हुए उबटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने माथे पर और अपने चेहरे पर, पूरे ही चेहरे पर आप उबटन लगा लीजिए और सूखने के बाद धो लीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने चेहरे पर उबटन लगाएं तो उसे धोने के बाद अच्छे मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर करें। सो दोस्तों, ये है आसान से तरीके माथे पर पड़ने वाले फोड़े फुंसियों को दूर करने के। इन्हें ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।